तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस समय आप लोग दूरी बनाकर रखें तो ही आप लोगों के लिए और आपके परिवार वालों के लिए बेटर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी वेब सीरीजों को लेकर आ चुका हूँ जो किसी की कमी महसूस नहीं होने देंगी। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि अप्रैल 2021 की वो कौन सी बेस्ट वेब सीरीज है जो कि काफी ज्यादा कूल है देखने में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले गाइस, अगर ये वीडियो कहीं पे भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले जो हमारी वेब सीरीज है उसका नाम है हेलो मिनी सीजन 3। आपसे एक बात जाता हूं, अगर आपने हेलो मिनी का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लेना, तभी ये सीरीज आपको समझ में आएगी। इस सीरीज को रिलीज की गई है 23 अप्रैल 2021 में और इसका जनरन होगा ड्रामा थ्रिलर एंड रोमांस। अब बात करें वेब सीरीज की स्टोरी हम लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करेगी, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिवाना को एक स्ट्रेंजर हर रोज स्टॉक करता है। सीजन 1 और सीजन 2 में स्ट्रेंजर पकड़ा नहीं गया था, इस सीजन 3 में स्ट्रेंजर पकड़ा जाएगा और हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर कौन वो स्ट्रेंजर था जो रिवाना को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। अब जो हमारी अपनी अगली वेब सीरीज उसका नाम है मैं हीरो बोल रहा हूं। अगर आप लोग एक धमाकेदार एक्शन वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट होने वाली है। वेब सीरीज को रिलीज की गई 20 अप्रैल 2021 को। अब बात करते हैं वेब सीरीज हम लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करेगी, तो वेब सीरीज के जो एक्टर हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं। अंडरवर्ल्ड किंग के साथ साथ जब से ये मुंबई के किंग बने हैं तब से मुंबई में क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसी क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस मैदान में उतरी है। अब जो हमारी अपनी अगली वेब सीरीज उसका नाम है साली आधी घरवाली। अब आइए सबसे कड़क वेब सीरीज उल्लू की बात करें। इस वेब सीरीज की तो वेब सीरीज को रिलीज की गई है 20 अप्रैल को। अब जानते हैं कि वेब सीरीज की स्टोरी हम लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करेगी। गाइजर वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट में बनाई गई है। वेब सीरीज की स्टोरी में एक कपल को दिखाया गया है जिनकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। वेब सीरीज की जो एक्ट्रेस है वो शादी से पहले कुछ गलत करना नहीं चाहती। स्टोरी में आप लोग देखोगे कि इनके ही रूप की एक लड़की हर रोज इनके साथ सोती है और इनको लगता है, मतलब एक्टर को लगता है कि ये मेरी होने वाली बीबी है। अभी इनके साथ ऐसा कैसे हुआ ये तो आपको वेब सीरीज में जाकर देखना होगा। अब जो हमारी अपनी अगली वेब सीरीज उसका नाम है काठमांडू कनेक्शन। अगर आप लोगों को एक दमदार थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज गाइज लिटरली कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट होगी। वेब सीरीज को रिलीज की गई है 23 अप्रैल 2021 को। इस सीरीज को आप लोग चाहो तो सोनी लिप पर जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है तो। अब जानते हैं वेब सीरीज की स्टोरी क्या दिखाने की कोशिश करेगी। मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और पुलिस का कहना है कि काठमांडू में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देंगे। अब पुलिस उसी को ढूंढने में लगी है कि आखिर वो कौन इंसान है जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट कराने की कोशिश कर रहा है। अब जो हमारी अपनी अगली वेब सीरीज उसका नाम है बिसात। वेब सीरीज को रिलीज की गई 15 अप्रैल 2021 को। इस वेब सीरीज को आप लोग एकदम फ्री में MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी हम लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करेगी। तो वेब सीरीज की स्टोरी में एक इंसान का मर्डर हुआ है और उस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सुलझाने में लगी है और उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते कैसे कैसे लोग फंसते हैं और उनके कैसे कैसे डार्क सीक्रेट निकल कर आते हैं ये वेब सीरीज हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जाओ आप लोग इन वेब सीरीजों को देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सारी सीरीजें आप लोगों को कैसे लगी। तो गाइस मिलता हूं आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।